नमस्कार, मैं दीना पटेल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेचुरल लाइफ विद दीना में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आपसे मैं मिलती रहती हूँ, कभी रसोई की किचन की वानगियों लेके, तो कभी स्टिच का काम लेके, तो कभी वेस्ट में से बेस्ट और किसी किसी अलग सी टिप्स लेके। तो आज हम मिलेंगे अचार लेके। आगे भी हम मिले हैं तो आज मिलते हैं गोंदे का अचार लेके। गोंदे का अचार ट्रेडिशनल रीत से बनाया है और कम तेल में। लोग गोंदे का अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत सा तेल डालते हैं। कम तेल में पूरा साल स्टोर किए करा जाता है और बिगड़ता भी नहीं है। तो आप देखेंगे वो रेसिपी कौन सी है, तो देखते हैं गोंदे की रेसिपी। गोंदे के अचार के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो जितना गोंदा लिया है और 3 मीडियम साइज की कच्चे आम लिए हैं। गोंदे और आम को पहले से मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम गोंदे के ऊपर जो केप रहता है उसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह सभी गोंदे में से केप है ऊपर का, वो निकाल लेना है। अब सभी में से केप निकालने के बाद हम जो ये इसका बी है वो निकाल लेंगे। तो बी निकालने के लिए पहले जो हमारा गोंदा है उसको एक साइड से कट करेंगे। उसे पूरा कट नहीं करना है, एक साइड ही कट लगाना है। कट लगाने के बाद जो चाकू है उसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक लगाएंगे ताकि ये जो ये थोड़ा चिकास रहता है वो इजीली बी इसके बाहर आ जाए। तो देखिए इसी तरह हमने सभी में से बीज निकाल लिए हैं। अब हम हमारे गोंदे में हल्दी और नमक का फिल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 6 चम्मच नमक लिया है और 2 से 3 चम्मच जितना हल्दी पाउडर लिया है। अब दोनों को मिक्स करके हम हमारे गोंदे उसके अंदर ये फिल कर देंगे। अब एक एक करके सभी में ऐसे फिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं सभी में ये फिल हो चुका है। तो इसे अब हम ये जो हमारा आम है उसे मैंने कट करके ले लिया है उसको डाल देंगे और ये जो बचा हुआ नमक और हल्दी पाउडर है उसको उसके अंदर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 4 से 6 घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। चार से छः घंटे हो चुके हैं तो अब हम इसको छाव में सुखाने के लिए रखेंगे। इसे हम धूप में नहीं रखेंगे, छाव में ही सुखाने के लिए रखना है। इसे अब 3 घंटे के लिए सुखाने के लिए रखना है। तीन घंटे के बाद एक कॉटन के कपड़े से या ये सभी गोंदे हैं उसे पोंछ लेना है अंदर से अच्छी तरह से। तो अब हम मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ml जितना ऑयल लिया है जिसको मैंने गरम करने के लिए छोड़ा है। तब तक यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितना आचारी मसाला लिया है। ये मैंने रेडीमेड ही लिया है, जो गृह उद्योग वाला रहता है अचार का मसाला वो है। आप चाहे तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। 500 ग्राम जितना मसाला में लेने के बाद हम इसमें जो हमारा ऑयल को गरम किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये 200 ml जितना ऑयल है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये रेडी हो चुका है फिल करने के लिए।
अब हम जो ये हमारे गोंदे 3 कलाक सुखाए थे उसे हम साफ करके ले लिए। अंदर से अच्छे से साफ करना है इसे। इसके अंदर अब हम जो ये हमारा आचारी मसाला है वो फिल कर देंगे एक एक करके। सभी में ऐसे एक एक करके फिल कर देना है। तो देखिए ये हमने सभी में फिल कर दिया है। तो अब हम ये कांच का बर्तन लिया है, इसके अंदर ऐसे एक एक करके रख देंगे। बीच में जो हमारा ये कच्चा आम था, जो मसाला बचा था, उसको दोनों को मिक्स करके ये जो हमारा आचार है उसके अंदर बीच में हम डाल देंगे। आम और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे बीच में हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है मेरा गोंदे का भरवा गोंदे का मसाला, जो कि इसे मैंने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। तो इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।